वंदे मातरम, भारत माता की जय। सक्षम भारत, समर्थ भारत। आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस की अनंत शुभकामनाएं। किसी के शरीर में कोई विकृति आ जाए या विकलांगता आ जाए तो भी यह किसी भी तरह से उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकती है। शर्त यह है वह सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मार्ग पर निरंतर चलता रहे। आप मुझे देख रहे हैं, उंगलियां नहीं है, सब काम करता हूं, वो भी बिना किसी कृत्रिम उपकरण के उपयोग के। राघवेंद्र सरकार, प्रभु श्री राम जो हमारे भारत के आदर्श हैं, समग्र विश्व के आदर्श हैं, उनकी ही कृपा है। वह अदृश्य रूप में भी सबकी सहायता करते हैं और दृश्य रूप में भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साकार निराकार ब्रह्म की उपासना का विवेचन करते हुए लिखा है, पग बिनु चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै बिधि नाना, कानन रहित सकल रस भोगी, बिनु मानक तन पड़ जोगी। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार कण कण में व्यापक रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और इसीलिए मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अचिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुकारी। ऐसे प्रभु श्री राम जिनको भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ जप करते हो, फिर तो आप सोच ही सकते हैं, तुम कृपाल जापर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा सबहिके। और इसीलिए जब प्रभु के पास पवन पुत्र हनुमान जाते हैं और भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं, तुमने लंका कैसे उजारी, तो हनुमान जी जवाब क्या देते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, हमने कुछ नहीं किया प्रभु, सब आपके नाम का प्रताप है। ऐसे प्रभु श्री राम जिन्होंने राम राज्य की स्थापना किया, जिसमें दिव्यांग जन के लिए सारे अधिकार मिले हुए होते थे, अंग ना हो कुछ भी ना हो, परंतु प्रभु श्री राम की कृपा यदि है तो ये दिव्यांगता अपंगता मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। आइए संकल्प लीजिए कि आज के बाद जो भी मुझे मिलेगा, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुभवानी। ऐसी विनम्रता के साथ सेवा में तत्पर होकर भारत को नए कलेवर में प्रस्तुत करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।